हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का रेल फैन नितिन के एक और फ्रेश मज़ेदार इंटरेस्टिंग ट्रेन कंटेंट और एक जर्नी में। तो दोस्तों, ये है हमारा पार्ट 3 प्रयागराज जंक्शन से लेकर हावड़ा के बीच। और मैं आपको बता दूं कि पार्ट 2 ऑलरेडी मेरे चैनल पर आ चुका है। जिसने नहीं देखा, मैं आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। और दोस्तों, पार्ट 2 में कुछ कमियाँ थी, कुछ नहीं बहुत कमियाँ थी, तो उन कमियों को सुधारने का मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है। तो दोस्तों, अभी हम डिपार्चर ले रहे हैं प्रयागराज रेलवे स्टेशन से। और प्रयागराज रेलवे स्टेशन से, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि हमारी ट्रेन डाइवर्टेड रूट से जाएगी। तो दोस्तों, जो वो डाइवर्टेड रूट रहेगा वो रहेगा बनारस वाराणसी जंक्शन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के रास्ते। हमारी ट्रेन अपने नॉर्मल रेगुलर रूट पर आ जाएगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं और इन्जॉय कीजिए प्रयागराज से निकलने के बाद खूबसूरत सफर। तो दोस्तों, जैसे जैसे शाम ढलती गई, हमारी ट्रेन डिले होती गई। और शाम के टाइम हमारी ट्रेन एक छोटे से स्टेशन ज्ञानपुर रोड पर आकर रुकी, जहाँ पर इसने 2 मिनट का स्टॉपेज लिया और वापस हमारी ट्रेन अपने जो सफ़र पर है वो निकल पड़ी है। और अभी हम डिपार्चर ले रहे हैं ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन से, जो कि प्रयागराज से लेकर बनारस के बीच एक छोटा सा स्टेशन पड़ता है। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी ट्रेन बनारस रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है, वैसे वैसे हम वाराणसी जंक्शन के कुछ करीब पहुंचते जा रहे हैं। और कुछ ही क्षण में हम वाराणसी रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। उसका वीडियो मैं नहीं बना पाया कुछ प्रॉब्लम्स के कारण, तो सीधा अब आपको दिखाता हूँ वाराणसी रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन का डिपार्चर। तो दोस्तों, पूरे 1 घंटे अनशेड्यूल होल्ड के बाद हमारी ट्रेन वाराणसी रेलवे स्टेशन से डिपार्चर ले रही है। तो एंजॉय कीजिए वाराणसी रेलवे स्टेशन से डिपार्चर। ओ बाय बाय वाराणसी, तुगलकाबाद शेड का WAP 7। दोस्तों, ये खड़ी है गंगा सतलज एक्सप्रेस, जिसमें लुधियाना के WDM 38 ट्विन्स लगे हुए हैं, जो कि दोस्तों, इस नज़ारे को देखने के बाद तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो ये थी हमारी गंगा रिवर। अब हमारा जो स्टॉप है वो है सीधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। 15 से 20 मिनट बाद हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंचेंगे। मिलता हूँ आपसे सीधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। Please, clear now.
पंडित दीनदयाल उपाध्याय। दोस्तों स्वागत है और अगेन गुड मॉर्निंग करता हूँ आप सभी का। वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव या शहर, मुझे पता नहीं, दुर्गापुर रेलवे स्टेशन से। तो अभी हमारी ट्रेन यहाँ पे अनशेड्यूल होल्ट पे रुकी थी 1 मिनट, और अब यहाँ से हम डिपार्ट ले चुके हैं। और उसके बाद हमारा जो स्टेशन है वो है बर्धमान जंक्शन, जहाँ पर हमारा स्टॉपेज है। उसके बाद हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो है हावड़ा रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों हमारी ट्रेन अभी 4.5 घंटे डिले हो चुकी है, बहुत ज़्यादा डिले हो चुकी है, इतनी उम्मीद करी नहीं थी। तो ये देखिए दुर्गापुर रेलवे स्टेशन, तो कभी ट्रेन बिल्कुल रेंगती रेंगती जा रही है, कभी स्पीड पर पकड़ रही है तो फिर वापस डाउन आ रही है, पता नहीं क्या रीज़न है। तो मैं रात में जब आपको बता के सोया था दीनदयाल उपाध्याय से कि अब मैं शायद मॉर्निंग में ही आपसे बात करूँगा, तो मुझे उस टाइम लगा था कि ट्रेन कवर कर लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उसके बाद अब अपन मिलते हैं सीधा बर्धमान रेलवे स्टेशन।
अभी नहीं जाए अभी ले लो बेटा। हाँ जाए वर्धमान की स्पेशल चाय पीके देखिए। बिल्कुल सर पीके देखते हैं। अच्छी है वर्धमान की। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं वर्धमान जंक्शन और हमारी ट्रेन यहाँ पे चार घंटे डिले पहुंची है और वर्धमान में हमें मिली है कुल्लड़ वाली चाय। ये रही, अब पी के देखते हैं और आपको बताते हैं इस चाय का टेस्ट कैसा है। एक मैं सेकंड मास्क हटा लेता हूँ। बहुत ही शानदार। दोस्तों दो दिन हो गए मुझे चले हुए जयपुर से। कल मॉर्निंग में 5 बजे चले थे हम जयपुर से और अभी सुबह के 7:30 बजे 7:24 हुए तब जाके एक ढंग की चाय मिली है। तो तब तक मैं चाय पीता हूँ, आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें और मिलते हैं आपसे चाय पीने के बाद। अब हम चलते हैं भाइयों वर्धमान स्टेशन से निकल चुकी गाड़ी। नींद तो पूरी सही आ गई।
भी जा रही होगी। तो दोस्तों अभी हम हावड़ा के आउटर पे खड़े हैं और यहाँ से हावड़ा जहाँ पे हमारी ट्रेन रुकी हुई है यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर हावड़ा रेलवे स्टेशन लोकेटेड है। तो मेरे सामने बहुत सारी जो रैक हैं वो शंट होके खड़ी हैं। हिमगिरी एक्सप्रेस मेरे सामने खड़ी है, मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये दोस्तों देखिए हिमगिरी एक्सप्रेस का रेक मेरे सामने खड़ा है। हावड़ा है
रहा है। दोस्तों देखिए यह है हावड़ा का इलेक्ट्रिक लोको शेड। Thank you.
जाल बिछा हुआ था। ये अरे अभी दिखाते थोड़ी देर पहले, दिखाऊंगा आपको वीडियो। मतलब ऐसा था कि अच्छा था, मतलब ये दोनों साथ है, मुझे ऐसा लगा बिट गई, बिटने वाली थी। तो दोस्तों यहाँ पे हावड़ा रेलवे स्टेशन पे हमारी ये जर्नी कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जर्नी 12308 जोधपुर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस में जयपुर से हावड़ा की जर्नी पसंद आई होगी और इन्जॉय किया होगा। तो जिस भी जने ने यानी कि जिस भी मेंबर ने पार्ट वन या पार्ट टू नहीं देखा है, मैं आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से जाकर देख लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई एक्साइटिंग जर्नी में और एक और नई वीडियो के साथ, ट्रेन कंटेंट और ट्रेन रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।